वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 7 अगस्त 2019 और 7 अगस्त 2019 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर बम गिराया था। यह पहली बार था जब एटम बम का यूज हुआ था। तो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा शहर पर बम गिराया गया था, इसीलिए हर साल 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, यहां से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो हिरोशिमा शहर पर एटम बम गिराया गया था उसका नाम क्या था? उसका नाम कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जो एटम बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय। उसके बाद जस्ट 3 दिन बाद नागासाकी पर भी अमेरिका ने एक एटम बम गिराया था। तो जो नागासाकी पर एटम बम गिराया था उसका नाम क्या था? उसका नाम था फैट मैन। तो ये दोनों नाम आप याद रखिए। हिरोशिमा पर जो गिराया उसका नाम था लिटिल बॉय और जो नागासाकी शहर पर गिराया उसका नाम था फैट मैन। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो अगस्त में ये पहला इंपोर्टेंट डे मनाया गया है। अब जो भी इंपोर्टेंट डे मनाए जाएंगे मैं आपको साथ में सारे रिवाइज कराऊंगा। इंपोर्टेंट डे के लिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं, जब भी कोई इंपोर्टेंट डे आए उस मंथ के सारे इंपोर्टेंट डे आप तुरंत रिवाइज करिए, और ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, इसलिए इंपोर्टेंट डे आपको याद होने चाहिए। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वाधिक T20 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो अभी विराट कोहली T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। विराट कोहली ने सुरेश रैना को पीछे छोड़ दिया है। विराट कोहली ने अभी वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच में अपने 8,416 T20 रन पूरे किए। T20 में अभी तक विराट कोहली ने 8,416 रन बनाए हैं और सुरेश रैना ने 8,392 रन बनाए हैं। तो अब T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं विराट कोहली। ये इंडियन बल्लेबाज बने हैं, पहले पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखोगे तो पूरे वर्ल्ड में क्रिस गेल नंबर पर हैं। क्रिस गेल ने T20 में 12,808 रन बनाए हैं, तो पूरे वर्ल्ड में क्रिस गेल नंबर वन पे हैं और इंडिया में आप देखोगे तो विराट कोहली नंबर वन पे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सेना स्काउट मास्टर्स प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? तो अभी राजस्थान के जैसलमेर में अंतर्राष्ट्रीय सेना स्काउट मास्टर्स प्रतियोगिता शुरू हुई, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और इस प्रतियोगिता में 8 देश पार्टिसिपेट करेंगे। 8 देश कौन कौन से हैं? अपना देश भारत, चीन, रूस, बेलारूस, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और सूडान। तो ये 8 देश इस अंतर्राष्ट्रीय सेना स्काउट मास्टर्स प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करेंगे। और ये प्रतियोगिता हो कहां पर रही है? तो ये प्रतियोगिता हुई है राजस्थान के जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माइंडट्री लिमिटेड के MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी देवाशीष चटर्जी को माइंडट्री लिमिटेड के MD एंड CEO के रूप में अपॉइंट किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ये हैं देवाशीष चटर्जी और इन्हीं को माइंडट्री लिमिटेड के MD एंड CEO के रूप में अपॉइंट किया गया है। अच्छा, माइंडट्री लिमिटेड ये क्या है? तो माइंडट्री लिमिटेड ये एक इंडियन IT कंपनी है और इसी के MD एंड CEO बने हैं देवाशीष चटर्जी। अच्छा, ये इंडियन IT कंपनी है तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलोर में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? कृष्ण कुमार नटराजन। कौन है? कृष्ण कुमार नटराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में अनंत शीतलवाड़ का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो अनंत शीतलवाड़ ये एक प्रतिष्ठित क्रिकेट कमेंटेटर थे, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे अनंत शीतलवाड़ और ये एक प्रतिष्ठित क्रिकेट कमेंटेटर थे और अभी इनका निधन हो गया है। अच्छा, अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो कुछ टाइम पहले ही न्यूज आई है कि हमारी जो पूर्व विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज, उनका भी निधन हो गया है। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का अभी निधन हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो अभी डेल स्टेन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं डेल स्टेन, ये साउथ अफ्रीका के एक बॉलर हैं और अभी इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अच्छा, ये साउथ अफ्रीका के बॉलर हैं तो आप मैप में देखिए, ये है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की कैपिटल क्या है? केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लोएमफेंटेन, ये तीन कैपिटल हैं साउथ अफ्रीका की। केप टाउन लेजिस्लेटिव कैपिटल है, प्रिटोरिया एग्जीक्यूटिव कैपिटल है और ब्लोएमफेंटेन जुडिशियल कैपिटल है। तो तीनों कैपिटल आपको याद रखनी है। साउथ अफ्रीका की करेंसी क्या है? साउथ अफ्रीका रैंड। और साउथ अफ्रीका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? सिरिल रमाफोसा। अच्छा, ये जो डेल स्टेन ने संन्यास लिया है, इन्होंने अपने पूरे करियर में 93 टेस्ट मैच खेले थे और 93 टेस्ट मैच में इन्होंने 439 विकेट लिए थे, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को करेंसी मैनिपुलेटर लेबल दिया है? तो अभी अमेरिका ने चाइना को करेंसी मैनिपुलेटर लेबल दिया है। अब इसका क्या मतलब है करेंसी मैनिपुलेटर लेबल का? तो करेंसी से हेर फेर करने वाला देश घोषित कर दिया है चाइना को अमेरिका ने, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। एक्चुअल में क्या हुआ, ट्रेड में फायदा लेने के लिए चाइना क्या करता है, अपनी करेंसी की वैल्यू को डिग्रेड कर देता है, कभी बढ़ा देता है कभी घटा देता है, खुद ही जानबूझ के करता है जिससे कि ट्रेड में उसे प्रॉफिट मिल सके। इसीलिए अमेरिका ने चाइना को करेंसी मैनिपुलेटर लेबल दे दिया है। अब चाइना को मिला है ये करेंसी मैनिपुलेटर लेबल, तो आप मैप में देखिए, ये है चाइना। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना की करेंसी क्या है? रेन मिनबी। और चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में कोसी मेची नदी अंत्यक्षेपण परियोजना को मंजूरी दी गई? तो अभी बिहार में कोसी मेची नदी अंत्यक्षेपण परियोजना को मंजूरी दी गई, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। कोसी और मेची ये दो नदियां हैं बिहार की, इन दोनों को अब लिंक किया जाएगा और इस प्रोजेक्ट का पर्पज क्या है? सिंचाई को बढ़ावा देना, यानी कि सिंचाई के लिए इसके पानी का यूज होगा। अच्छा, कोसी नदी का नाम लिखा देखकर आपके माइंड में एक क्वेश्चन क्लिक कर जाना चाहिए, बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत पूछा जाता है। तो कोसी और मेची नदी को अब लिंक करके सिंचाई के लिए इसके पानी का यूज किया जाएगा। ये 4,900 करोड़ की परियोजना है और अभी केंद्र सरकार ने इसको मंजूरी दी है। अच्छा, ये नदी को लिंक करने की परियोजना है, इससे पहले केन और बेतवा नदी को लिंक करने की परियोजना लॉन्च हो चुकी है। इंडिया में पहली बार अगर कोई परियोजना नदी को लिंक करने की लॉन्च हुई थी तो वो हुई थी केन बेतवा नदी परियोजना, और केन बेतवा नदी परियोजना कहाँ पे थी? मध्य प्रदेश में थी। और अब ये कोसी मेची नदी अंत्यक्षेपण परियोजना को मंजूरी दी गई है बिहार में, अब ये बिहार में मंजूरी दी गई, तो ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन है? नीतीश कुमार। और बिहार के अभी नए गवर्नर कौन बने हैं? फागू चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईआईएस अधिकारियों का दूसरा अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? तो अभी नई दिल्ली में आईआईएस अधिकारियों का दूसरा अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये जो टर्म लिखा है आईआईएस, इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। तो आईआईएस की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस। तो इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस अधिकारियों का अभी दूसरा अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया और इस सम्मेलन की अध्यक्षता की है हमारे प्रेजेंट टाइम के सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आमिर खान ने किस राज्य में मिशन शक्ति स्पोर्ट्स पहल शुरू की है? तो अभी महाराष्ट्र में आमिर खान ने मिशन शक्ति स्पोर्ट्स पहल शुरू की, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये क्या है मिशन शक्ति स्पोर्ट्स पहल? तो इसमें क्या होगा, एथलीट्स की ट्रेनिंग की जाएगी, एथलीट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी और इस पहल की शुरुआत आमिर खान ने की है।
अब महाराष्ट्र में की है, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? देवेंद्र फडणवीस। और महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? सी विद्यासागर राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय के छात्रों ने 3D स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल लॉन्च किया है? तो अभी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने 3D स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल लॉन्च किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब इस ट्रैफिक सिग्नल में स्पेशल क्या है? तो अभी तक आपने ट्रैफिक सिग्नल पे देखा होगा कि कहीं पे गाड़ियां ज्यादा हैं और कहीं पर सिग्नल ग्रीन हो जाता है, यानी कि गाड़ी की काउंटिंग के अकॉर्डिंग सिग्नल नहीं चलते। लेकिन ये जो 3D स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल है, इसमें गाड़ियों की काउंटिंग के अकॉर्डिंग सिग्नल चेंज होगा। जिस साइड में ज्यादा गाड़ियां हैं उधर का सिग्नल पहले ग्रीन हो जाएगा। तो ये है 3D स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल, और इसे अभी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने मॉब लिंचिंग और ऑनर किलिंग के खिलाफ बिल पारित किया? तो अभी राजस्थान विधानसभा ने मॉब लिंचिंग और ऑनर किलिंग के खिलाफ बिल पारित कर दिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब अगर कोई राजस्थान में मॉब लिंचिंग करता है तो उसे आजीवन कारावास प्लस 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, और अगर ऑनर किलिंग का कोई केस होता है तो मृत्युदंड की सजा भी हो सकती है। तो ये बिल पारित कर दिया है राजस्थान गवर्नमेंट ने। अब राजस्थान गवर्नमेंट ने किया है तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। और राजस्थान के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? कल्याण सिंह। ये चीजें आपको याद हो गई होंगी, लेकिन फिर भी आप इनको रिवाइज किया करो। जब तक लाइफ में स्टूडेंट शब्द लगा है तब तक रिवाइज करने की हैबिट आपको छोड़नी नहीं है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो बिल गेट्स अभी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था, और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है। मैक्सिमम स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा, मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में हंगेरियन ग्रैंड प्री किसने जीती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पे IndreshRC IndreshRC इंस्टाग्राम पे IndreshRC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना, आज के वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और आपके पास जो भी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।